तो दोस्तों, काफ़ी दोस्तों को डाउट रहता है कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जो घर का वेस्ट पानी है, किचन का पानी है, वो हम वास्तु के हिसाब से बाहर कैसे निकालें ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। तो आप ये देख रहे हैं, ये किचन है और इस किचन का पानी बाहर निकाला हुआ है नॉर्थ साइड में। तो आप देख रहे हैं, ये जो पाइप है, यहाँ पे पाइप डाली हुई है और इस पाइप को यहाँ से वहाँ पे वॉश बेसिन के लिए जगह छोड़ी हुई है, लेकिन वो पाइप यहाँ से है। इसका कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ से ये ऐसे सीधी वहाँ पे गई हुई है। ये घर के बीच में भी नहीं है और ईस्ट साइड में भी नहीं है। आप ये देख रहे हैं, टेंपल के लिए जगह है और यहाँ पे ये आ गई। ये किचन की पाइप है और ये ऊपर छत से जो छत का पानी आएगा वो इसमें मिक्स हो जाएगा और एक वो पॉइंट वहाँ पे है जो पानी सीधा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो गाइस ये वाली पाइप है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम की, ये पाइप यहाँ से यहाँ पे गई हुई है। यहाँ पे चैम्बर बना हुआ है और उसके बाद ये पाइप यहाँ से निकाली हुई है बाहर। तो ये वास्तु के हिसाब से निकाली हुई है, आप इस तरह इसे देख सकते हैं। तो इस तरह सिंपली आप अपने घर का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो आप भ्रम स्थान से भी बचा सकते हैं और मंदिर के नीचे से भी बचा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से, और आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। आप इसे नॉर्थ ईस्ट से निकाल सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट से निकाल सकते हैं, नॉर्थ साइड से आप कहीं भी इसे निकाल सकते हैं। वैसे तो इसे ईस्ट साइड के भी कुछ हिस्से में ही निकाल सकते हैं आप।